अभी हमने रिकॉर्डिंग खत्म की है हॉट रिव्यू की, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक रिकॉर्डिंग हम खत्म करते हैं और उसके फौरन बाद हमें रश रश करना पड़ता है, रश, वी हैव टू रश एंड भागो फाय फॉर एन इंटरव्यू या फॉर एन इवेंट या फॉर अ रिकॉर्डिंग। तो आज उसकी जर्नी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी चहेती और प्यारी मिस आमना इसानी। आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। आमना, ये जर्नी कैसी होती है कि जब हमें फॉरन किसी का इंटरव्यू करने जाना होता है? आपको भी होता है अक्सर गए वो मैं अब ये करना है, ये वीडियो रैप अप करो, जल्दी करो, जल्दी करो, मैंने जाना है। जब ऐसा हो रहा होता है कि हम कोई इस तरह की वीडियो या इंटरव्यू कर रहे होते हैं और फिर हमें कहीं जाना होता है, तो उस दिन हमारी जो रिव्यू है उस पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नॉट एट ऑल, वो वैसे ही होता है जी। उससे कोई मुझे नहीं पता, अगर आया होगा तो आपको पता होगा, नहीं आया होगा तो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा कि मैं जिसको इंटरव्यू करने जा रहा हूँ उसको हमने पहले कभी समथिंग हॉट पे इंटरव्यू नहीं किया, पहली बार आज हम उनको इंटरव्यू करेंगे। हम बड़े एक्साइटेड हैं कि वो समथिंग हॉट पे इंटरव्यू देंगी या देंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे? आपका समीना अहमद साहबा का इंटरव्यू आ चुका होगा अब तक, मुझे उम्मीद है वो भी आप लोगों ने समथिंग हॉट पे देख लिया होगा और बड़ा जबरदस्त उसका फीडबैक हमें दिया होगा। आमना, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को? मैं आपके व्यूअर्स को मैसेज देना चाहूंगी कि वो देखते रहें और अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहें और क्या देखना चाहते हैं ये भी बताते रहें, ये भी बताते रहें। आ ही पे क्या देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पे क्या देखना चाहते हैं, समथिंग हॉट पे क्या देखना चाहते हैं, ये अब आप बताएं। अभी देखें आप लोग ये लाइट्स वाइट्स जो हैं ये सेटअप हो रहा है, यहाँ से सेटअप हम ख़त्म करेंगे, सामान गाड़ी की डिग्गी में रखेंगे और अगली डेस्टिनेशन पे जाएंगे। और बीच में मैंने शर्ट भी चेंज कर ली है, गाड़ी में शर्ट पड़ी हुई है गाड़ी में, अभी क्योंकि अंधेरा है, रात हो गई है, गाड़ी में हम शर्ट चेंज करेंगे। उसको भी ब्लॉग करेंगे? नहीं, उसको नहीं ब्लॉग करेंगे, करें उसको ब्लॉग, उसको ब्लॉग नहीं, उसको हम ब्लॉग नहीं करेंगे। गाड़ी में शर्ट चेंज करके जब हम पहुंच जाएंगे वहां पे जिस किसी का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो फिर आपकी मुलाकात हमारे आज के उन सेलिब्रिटी गेस्ट से भी कराएंगे। तो आपने कहीं जाना नहीं है, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। सामान जा रहा है गाड़ी के अंदर, हमारी बड़ी फैन फॉलोइंग बन रही है भाई मेरे चैनल के ऊपर, क्या कहना चाहोगे? बहुत लोग हैं जो कहते हैं, बहुत शुक्रिया। ये रोड के बीच में तुम खड़े हो ना, वो गाड़ी आ रही है वहां से, पुराने फैंस तो अस्सलाम वालेकुम, नए वालों को थैंक यू। फैंस आप ही कह रहे हैं ना, फैंस बन रहे हैं? फैंस हाँ बन तो रहे, लेकिन मुझे तो, मैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे जब तू कहता है फैंस फैंस, मैं तो कहता हूँ कि दोस्त फैमिली, तो तुम यू विल गो विद फैंस। मैं, मेरा स्टार्ट है ना अभी, तो मैं खुश होने लगा जब मेरे दादा हो जाएंगे तो मैं फैमिली बना लूंगा। तो तुम फैंस मानते हो सबको अभी? हाँ अभी फैंस, ऑटोग्राफ बाद में प्लीज, तो अभी मुझे जाने में लेट हो रहा हूँ। कितनी दूर है जहाँ पे हम जा रहे हैं जगह? 10 मिनट दूर है, लेकिन आपको पता है मैं टाइम पे पहुँचने का आदी हूँ, तो मुझे बस जल्दी पहुँचना होगा, वरना मैं लेट हो जाऊँगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दें। चल ट्रांजिशन तो कर कोई अच्छी, दरवाजा बंद होगा। अगर कभी आपको मौका मिला मेरे साथ गाड़ी में ट्रैवल करने का, तो आपको ऐसी एक या दो शर्टें लटकी हुई मेरी गाड़ी में नज़र आ सकती हैं, अक्सर नज़र आएंगी, क्योंकि हमारी कभी कभी दिन में दो या दो से ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इसलिए एक्स्ट्रा शर्ट्स गाड़ी में रख के ले जानी पड़ती हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अंधेरी सड़कों में शर्ट मुझे गाड़ी में ही चेंज करनी पड़ती है, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। लाइफ ऑफ अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। तो एक सेकेंड मैं शर्ट चेंज कर लूं। वन टू थ्री जो शर्ट पहनी हुई थी वो चली गई उधर, जो शर्ट वहां थी वो आ गई इधर। अब क्योंकि देर होना शुरू हो गई है और मैंने डिसाइड किया कि मैं थंबनेल पे डाल दूंगा किसका इंटरव्यू, तो अब तक आपको पता चल ही चुका होगा हमें इंटरव्यू करना है आज हानिया आमिर को। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हानिया जी ने मौका दिया हमें कि हम उन्हें इंटरव्यू कर सकें। बहुत अरसे से हमारी ख्वाहिश थी कि हम उनको इंटरव्यू करें,
तो मुझे लगता है कि ये बड़े मज़े की कॉन्वर्सेशन होने वाली है, और मुझे ये भी लगता है कि अभी जो उनके साथ थोड़ी सी बीटी है सम फन करेंगे, जो होपफुली आपको भी देखने को मिलेगा, वो भी बड़ा मज़े का होने वाला है। तो अब मैंने गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। सो हम आ गए हैं जिनका हमने इंटरव्यू करना, और उनका दरवाज़ा पीला है फॉर सम रीज़न। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हानिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कौन? मैं हसन, हसन चौधरी। समथिंग हुआ आमना के साथ? अच्छा अच्छा अच्छा, आपने आमना नहीं आई? आप इंटरव्यू लेंगे आज? चले सही सही, कोई मसला नहीं, आए बैठे बैठे चाय। मैं नहीं लेना था इंटरव्यू, और किसने लेना? मुझे लगा आमना सारे बड़े सेलिब्रिटीज का लेते हैं, मुझे लगा। ओ ये सब प्लान था, ऐसे ही होता है, देखा कैसे बुद्धू बनाया है यार, यूट्यूब पे ऐसे व्लॉगिंग होती है भाई। कैसी है हानिया जी आप? मैं ठीक हूं। हानिया जी वो जल रही है फ्लैश, इससे कोई फर्क पड़ता है? बिकॉज यूर आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप व्लॉगर्स में आपका नाम। बिकॉज देन इट विल बी टू मच लाइट, नो? जो दिल का जो दिल आपका अनिश वो ये काफी है, स्प्रेड काइंडनेस ग्रेट टॉक। हानिया सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। यस ऐसे ऐसे जो व्लॉग्स होते हैं ना वो हिट होते हैं, उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, फिर उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और फिर इज्जत मिलती है। यस दिस ट्रू। हानिया जी जी, आप पहली बार आज समथिंग हॉट पे हमें इंटरव्यू देंगे? नहीं आप पहली बार मेरे घर आए हैं। मैं पहली बार आपके घर आया हूँ, लेकिन आप इंटरव्यू भी पहली बार हमें समथिंग हॉट पे। आप उन सब लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता था कि हमारा और आपका फड्डा है? ऐसा तो किसी को नहीं लगता, बहुत लोगों ने कहा कि हमारा आपके आपका हमारे साथ कोई फड्डा है या हमारा आपके साथ फड्डा है। आप ऐसी हैं नहीं कि अगर मैंने कुछ किया हो तो आप दिल में रख के बैठे, आपको क्या लगता है? थोड़ी नहीं, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा किया होता तो आपने उसका इजहार तो जरूर किया होता। नहीं क्या, कोई हमारा पड़ा नहीं है, we're friends. We're very good friends. और अभी क्योंकि हम इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं तो वो आपको आती है, वो ट्रांजिशन कैसे करते हैं? आप तो आपकी तो बड़ी जबरदस्त एडिटिंग होती है व्लॉग्स की। हाथ रखते देंगे लेकिन फिर शुरू भी ऐसे, कुछ ऐसे नहीं कुछ आप नया, ये तो बहुत आम है, ये तो हर कोई कर लेता है, कुछ नया बनाए ना। फोन गिराए फ्लैश में ऑन हो गए फिर से। ओ इंटरव्यू खत्म। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके, लेकिन मुझे बताएं कि आप में क्या बदलाव आया है अब, क्योंकि अब जब हमने एक लंबी कॉन्वर्सेशन कर लिया, इंटरव्यू कर लिया है, और मैं सबको बताना चाहूंगा कि हमने करीब आपको शरारत करी। आप मुझे देखें आपके यू डिंपल्स गिव इट अवे हानिया जी। मैं कुछ नहीं कर रही, कुछ बताएं बताएं बताएं। मैं इसको एडिट मैंने खुद ही करना है, सो आप जो भी कर रही हैं मैं कर दूंगी आपके लिए। आप एडिट करेंगे? हाँ मैं कर दूंगी आपकी। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू करने का एक्सपीरियंस? मैं लोगों को ये बताना चाह रहा था कि हानिया के साथ क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद एक हमारी हमें मौका मिला बात करने का, तो ये वाला इंटरव्यू थोड़ा लंबा है, करीबन डेढ़ घंटे का है, ये लंबा है ये छोटा है? डेढ़ घंटे की हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, बड़ा मजा आया हानिया से मिलके। और एक जो अक्सर आप सेलिब्रिटीज के बारे में बातें सुनते ना इधर उधर से कानों से, इधर ये कह रहे हैं, ऐसी ये बिल्कुल नहीं है, कसम से। कसम? कसम से। कसम? ये देखिए ये ऐसे होता है ये। अच्छा तो मेरा माशाल्लाह जो मुंह है उसके हिसाब से तो ये काफी शीशे में नजर आ गया। नहीं तो मेरा तो काफी, लेकिन मैं आपको नॉर्मल नॉर्मल पे आता हूं जी। अच्छा हानिया आप कुछ कहना चाहेंगे इंटरव्यू के बारे में? मैं कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारी बातें किया और आई होप कि हसन जी बुरी बातें अगर कोई हुई कॉन्ट्रोवर्शियल तो वो निकाल दें, नहीं निकाली तो कयामत का दिन भी है, कोई मसला नहीं है। ये आप हैं या हाला है? ये 1% और बाय। But honestly, Hania, thank you very much for your time. It was an absolute pleasure chatting with you. बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इस तरह हमेशा मुस्कुराहटें भी बिखेरती रहें और अपनी परफॉर्मेंसेज से लोगों को इम्प्रेस भी करती रहें। अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियां दे, ढेरों खुशियां दे। थैंक यू वेरी मच।
हानिया के साथ जो हमारा इंटरव्यू है, बहुत जल्द आप या तो ऑलरेडी देख चुके होंगे या बहुत जल्द देखने वाले होंगे, और उन्होंने अपने सर पे इस तरह हाथ रखा हुआ है, वो ये सोच रही है कि इस बंदे को बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं आती, इसको छोड़ देनी चाहिए। अब ये सोच रही नहीं, मैं इंटरव्यू परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप संभाल लेंगे, मैं संभालूंगा, मेरे से ज्यादा ये सब लोग संभाल लेंगे, ये बड़े चीते चीते हैं। हाँ, और ये आप, ये मैं इनको कह रहा हूँ, उसको नहीं इसने क्या संभालना बेचारे ने, इसके हाथ में क्या है। okay. वो हम संभाल, ऑडियंस ऑडियंस लव यू, थैंक यू हानिया। अब वो करें वो खुदा हाफिज कैसे करते हैं, बाय नहीं, वो कुछ बाय बाय करने के लिए कुछ होता है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है, क्या चुटकी बजा दें, चलो चुटकी अगर मुझे वर्ल्ड की फास्टेस्ट चुटकी बजाने का अवार्ड किसी को देना होता तो वो मैं डेफिनेटली हानिया को देता। हानिया का इंटरव्यू समथिंग हॉट पर आ चुका है और उस इंटरव्यू के ऊपर आपका फीडबैक हमें मौसूल हो रहा है, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया फॉर सेंडिंग सो मच लव हानिया वे ऑन हर बिहाफ एंड फॉर सेंडिंग सो मच लव माय वे एज वेल। मुझे बहुत सारे हमारे इंडियन व्यूवर्स के मैसेजेस आए कल और उन्होंने मुझे बताया कि हानिया इस इंटरव्यू के बाद कल इंडिया में ट्रेंड कर रही थी। Kind of speechless right now. Honestly, means so much. Thank you once again. Thank you very much. बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे इंटरव्यूइंग स्किल्स की बहुत तारीफ की, बट सच तो ये, एज आई ऑलवेज लाइक टू से, एन इंटरव्यूअर और अ होस्ट और द इंटरव्यू इज एज गुड एज द गेस्ट, सो द क्रेडिट सर्टनली गोज टू हानिया फॉर चूजिंग टू शेयर सो मेनी इनसाइट्स इन टू हर पर्सनल लाइफ with me and trusting me with all that information. अगर आपने for some reason ये interview नहीं देखा तो आप something hot के YouTube channel के ऊपर जाके देख सकते हैं। This is probably the first time ever हानिया ने इस तरह से खुल के अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की है, जिसको जिन लोगों ने देखा बहुत appreciate भी किया। So I hope कि जब आप में से जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो जब आप देखेंगे तो आप भी उसको बहुत enjoy करेंगे और आपको भी मज़ा आएगा। आज 14 अगस्त है, आप सब लोगों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। इट्स पाकिस्तान्स 75th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ये मुल्क हमारा घर है, यहाँ पर हम सब ने जैसे तैसे करके इकट्ठे हो के एक साथ ही रहना है, और सबसे पहले हमें अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, अपने मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब ये मुल्क बेहतर होगा, जब ये मुल्क तरक्की करेगा तो ही हम सब भी तरक्की कर पाएंगे। प्लीज़ अपने गिर्दोनवा के लोगों का, अपने गिर्दोनवा में जो भी मामलात हैं उनका बहुत दिल से ख्याल कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मुल्क को अगर कोई बेहतर बना सकता है और तरक्की की तरफ ले जा सकता है तो वो हम सभी हैं, और बाकी सारी जो हमारी हकूमती इदारे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं तो उनसे अपनी हिम्मत हार चुका हूँ। बट आज का दिन खुशी का दिन है, सो खुशी के नोट के ऊपर, पाकिस्तान की तरक्की के नोट के ऊपर, पाकिस्तान की खुशहाली के नोट के ऊपर आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यार भेजते रहिएगा, और अगर फॉर सम रीज़न अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे कंटेंट की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।